ये इसके बच गए हैं पांच। पांच बज गए, फिर भी पार्टी अभी बाकी है। कितने शरीफ लग रहे हैं देखना। कल तक आते हैं हम। ये देखो, ये उनका एक ज्यादा परफेक्ट है। चलो भाई, तू ये पैकिंग किसने करी है पहले ये बता। बोल दे पर दिखा, मेरे पास ले आती मैं कर देती। ये ना आप मुझे घर जाके खोल के बताना आपको कैसा लगा, ठीक है भाई। यार ये इतनी भी बोल क्यों नहीं रही है, मेहंदी लगा रहा हूँ। तेरी मेहंदी लगाई थी ना इसने, दिखा मेहंदी दिखा उसको। देखो उसको कोई मतलब नहीं, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है उसको, चौमिन से मतलब है। नहीं अभी नहीं, घर जाके ठीक है। अभी आप दोनों वैसे खेल लो, ठीक है। मम्मा को दे दो, पकड़ा दो मम्मा को, मम्मा को पकड़ा दो, दे दो ना, दे दो ना, प्लीज दे दो ना। आप मायरा के साथ खेल लो ना। मैं आई है ना, तो मैं साइमा के हाथ साइमा के गिफ्ट दे रही हूँ। ये रहे मेरी साइमा के दोनों गिफ्ट्स। मायरा ये लो, मायशा को दो। हैप्पी दिवाली। तू नहीं पकड़ते, मैं पकड़ ना। हैप्पी दिवाली। ये क्या है मतलब? हैप्पी दिवाली है क्या? नहीं मैंने नहीं देखा, भेज दियो। चलो बाय मायशा, बाय। भाई ऐसे करना पड़ता है, ऐसे ऐसे इसके चक्कर में। पीछे से वो खुली हुई है। क्या बने हो आज आप? चले इधर फोटो खींच। देखो गाइस, मायरा अपने हाथ से खाना खा रही है, डोसा सांबर और साउथ इंडियन चटनी। कितने अच्छे से मायरा खाना खाती है अपने हाथ से गाइस, है ना मायरा? आप अपने हैंड से खाते हो ना रोज? और फिर स्पून से सांबर पी के दिखाओ। ये देखो कितने अच्छे से खाता है मेरा बच्चा। कैसा बना है मेरा? और बना दो डोसा? टम्मी फुल हुआ आपका अच्छे से? अब सोएंगे, ठीक है, सुबह स्कूल है ना गाइस। को गाइस को बता दूं मारा करते हो? अभी बताती हूँ सबको। पक्का अब तो नहीं करोगे ब्रेकफास्ट? ये हैं कुलचे, दिख भी रहे हैं यार, कुलचे छोले। ऐसा बच्चा इतना पाला पाला, किसी के भी पास नहीं है, है ना मायरा? किसके पास है? बस मामा के पास। वाह मायरा, घर तो लॉक है। हम इतने दिलेर है ना गाइस, हमारे पास स्कूटी का ना दोनों के पास एक भी हेलमेट है ना, हमारे पास हेलमेट है ना, हमारे पास लाइसेंस है दोनों में से किसी के पास। बट हम इतने तूफानी है ना, हम कहाँ कहाँ तक बिना लाइसेंस और स्कूटी के और ट्रैफिक पुलिस वालों से कैसे बच बच के निकलते हैं ना भाई। मतलब हमारे तो आगे पीछे के लोग भी ना हमें देख देख के हंसते हैं। दोनों लड़कियाँ बड़ी तेज है, मतलब इतने ट्रैफिक पुलिस वाले मिले ना हमें। अभी हम कहीं गए थे, इतने ट्रैफिक पुलिस वाले थे, और मतलब हमारे लक है क्या है मैं कहूँ, और ऐसा ना हो नज़र लग जाए और अगली बार हम डप्पा हो जाए। जोई इसको देखो 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 देखो, ये मार्केट में आए कहाँ, बीच में कहाँ बैठ गया, बीच में बैठ गया, बीच में देखो जरा कहाँ आके बैठे, जल्दी देखो इसको, देखो 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 इसको कहाँ बैठे, बीच में जाके क्या है तू, वो कर रहा है, बेच रहा है, सेल्समैन भैया
भैया दे दो एक, ये दे दो, कितने का है दे दो, दे दो वो वाला, वो वाला, वो वाला, यस ये वाला दे दो, दे दो, गिव इट टू मी, गिव इट टू मी। तमन्ना चाह रही है, मैंने बोला बहन तेरा तेरी गिफ्ट इतने सारे हो जाते हैं, मतलब एक दिन ना दिल्ली ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इस बार इसको गिफ्ट है इतना हैवी कि मुश्किल हो जाएगा, तो मैंने बोला आधी चीज़ें तू आज ले जा और आधी चीज़ें तू कल ले जाना। वैसे दिवाली कब की है गाइस, 31st या 1st? वैसे जब तक ये ब्लॉग जाएगा तब तक तो सब कुछ हो चुका होगा, तो मतलब भाई नहीं ले जा पाएगी अभी, ये लेके जा। बन गया तुम्हारा दोनों का प्लान, बन गया खेलने का सेट है? हाँ जी चलो, जा रही हूँ सर में ऑयल लगवाने, वॉश करवाने, मसाज करवाने, सर दर्द कर रहा है यार। बढ़िया सी हेड मसाज करनी, एकदम बढ़िया सी, सर दर्द ना सारा खत्म हो जाए। तो नहीं करवाऊँ हेड मसाज फिर, क्यों फिर पैसे वेस्ट कर रही हूँ मैं, फिर ऐसे वॉश ही करवा लेती हूँ बस। ऑयल भी लग जाता है ना, मैं लगाती नहीं फिर। आप लगाती भी नहीं हो ऑयल, और ऑयल वैसे पता है बालों के लिए ठीक नहीं रहता। नहीं रहता तो फिर क्यों लगा रहा है, फिर खराब कर रहा है मेरे बाल। ऑयल लगाने में खराब ही हो रहा है आपके बस, थोड़ा रिलैक्सेशन के लिए ऑयल अच्छा रहता है। जैसे आप कभी बहुत टाइम बाद हेड मसाज, कभी लगा के वॉश कर देंगे फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑयल से मसाज करना बस रिलैक्सेशन के लिए अच्छा है, और अभी आपको रिलैक्सेशन चाहिए। ये मेरे बाल खराब हो जाएंगे ऑयल लगाने से, खराब हो जाएंगे तो फिर क्यों लगा रहा है ऋतिक? तो सिर्फ मैं तो आपको बहुत टाइम से बोल रहा हूँ ऑर्गेनिक वाला इसको करो यार, मसाज करवाते मैं भी सुंदर लगती हूँ मैं तो वैसे ही मैं अपनी खुद की तारीफ कर लेती हूँ, मुझे जरूरत नहीं है कोई मेरी तारीफ करे। हाय गाइस, पता नहीं मैंने वेलकम करा नहीं करा सुबह से, बस ब्लॉग ऐसे चले ही जा रहा है। तो मैं भी गली में थी, मुझे ऐसा लगा मैंने ना वेलकम ही नहीं करा सुबह से, वैसे तो अब रात ही हो गई है, मेरा आज का कुछ ब्लॉग था ही नहीं, और कल का भी मेरा ऐसा कुछ ब्लॉग नहीं बनेगा क्योंकि बर्थडे मैं कुछ कर नहीं रही हूँ मैं इस बार भी, पिछले साल भी मैंने कुछ नहीं करा था, जस्ट तमन्ना ने और वो इशिका ने मारा, कि जो लास्ट ईयर ट्यूशन मैम थी इशिका, कुछ टाइम के लिए पढ़ाया था उसने, तो हम दोनों ने मिलकर मुझे जसमीत वगैरह ने सब ने, मतलब प्लान तो वैसे तमन्ना का था मेन, मुझे सरप्राइज़ कर दिया था, ये मैं बीमार थी इतनी पूरा दिन, बस मैं सो ही थी घर पर ही थी, और इस बार भी ऐसे ही है, सच कुछ कुछ भी प्लान नहीं है। कल तो मैंने बल्कि दीपू ने बोला भी था क्या करना है, मैंने कहा कुछ नहीं करना, मुझे केक भी नहीं कट करना, कुछ भी नहीं करना, दिल ही नहीं करता यार बर्थडे वगैरह मनाने का ना, मन ही नहीं करता। किस किस के साथ ऐसा होता है, मतलब मेरे को तो ऐसा होता है, दिल नहीं करता कुछ भी करने का, बर्थडे वगैरह मनाने का, दिवाली वगैरह मनाने का, होली, कुछ भी बस। मैं मेरे ना सर में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो अपने आप को गिफ्ट कर देती हूँ। वैसे तो मैं हेड वॉश के लिए जाती हूँ, आज मैंने ऑयल लगवा के अच्छे से ना ऑयल मसाज करवाई, और मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है ना, मतलब अच्छी मस्त नींद आएगी मुझे। पहले तो मैंने सच बताया तो मैंने ये सोचा था मैं 11 बजे पर अपना ना फ़ोन भी ऑफ कर दूँगी, और कल पूरा दिन अपना ऑफ रखूँगी फ़ोन, मतलब दिल नहीं कर रहा है यार किसी से बर्थडे विश लेने का, मतलब ऐसे हो रहा है कि क्या सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे, मैं बोलूँगी थैंक यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे, मैं बोलूँगी थैंक यू, क्या वॉट ये क्या है बर्थडे। तो फिर मुझे सबने बोला कि नहीं यार ऐसा मत करियो, एक दो लोगों को बता दी, मैंने कहा यार मतलब मुझसे डिस्कस कर रहे थे, तमन्ना कहती दी थी मैं 12 बजे फ़ोन करूँगी उठोगे, मैं कहा उठी तो होंगी मेरा फ़ोन ऑफ होगा, तो कह रही नहीं नहीं ऑफ मत करा, मेरी कज़न हुमा वो भी कह रही थी यार ऐसे मत करना, वीडियो कॉल करेंगे सारी बहनें एक साथ मिलकर, तो अभी देखते हैं क्या सीन होता है। खैर कल 31st दिवाली भी है, आधे लोग कह रहे हैं कल है, आधे लोग कह रहे हैं परसों, खैर कल मेरा बर्थडे, मेरा बर्थडे और हेलोविन तो है ही, ये दो चीज़ें तो हैं, देखते हैं क्या होता है। क्लोज कर लेती हूँ, लो ओपन,
ओपन कर लूं? वाह मायरा आई लव यू। ये आप मेरे लिए नहीं लाए हो, अपने खाने के लिए लाए हो। चलो मुझे विश तो कर दो। हाय गाइस, हाय गाइस, हाय गाइस, हाय गाइस। तो मैं भी एडिट कर रही थी और ब्लॉग एंड कर रही थी, तो मैं आपको लास्ट को बता दूँ। इस वाले मोमेंट के बाद जब मायरा केक लेकर आई, दीपू केक लेकर आए, मैंने केक कट करा बट मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज 12 बज चुके थे और सबके कॉल्स, मैसेजेस, वीडियो कॉल्स आनी स्टार्ट हो गई थी, तो फिर मैं वो शूट नहीं कर पाई। एंड आई होप आप लोगों ने इन्जॉय करा होगा आज का ब्लॉग। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।